मेरे ख्याल से जनरली तो चीज़ें सुधरी हैं और शायद आगे भी सुधरनी चाहिए। और ये है कि हाँ, कुछ सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनको टैक्स ब्रेक कुछ अच्छे मिल जाए। क्या उम्मीद है इस बजट से, क्या एक्सपेक्टेशन? कुछ शायद रिवीजन हो जाए, ये जो मिनिमम टैक्स लिमिट है उस पर रिवीजन हो सकता है, और कुछ टैक्स रेट स्लैब्स छोटे हो सकते हैं। आप बताइए, हाउसवाइफ हैं, तो एक हाउसवाइफ तो घर की इकोनॉमी डिसाइड करती है, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन इस बजट? नहीं, हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा बजट आए और सबके लिए अच्छा हो, खासतौर पर गरीब लोगों का ध्यान रखे सरकार। और मोदी जी से हम काफ़ी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, या मतलब बजट अच्छा ही रहे। एज ए सीनियर सिटीजन, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, एज सीनियर सिटीजन क्या आप चाहते हैं कि वो इस बजट में सीनियर सिटीजन को ध्यान रखें? सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल जाए, और जो कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई इनकम ना हो तो कुछ का सहारा हो। यहाँ पर सुपरमार्केट में आप परचेजिंग कर रही है, क्या लेने आए हैं? मैं बेसिकली ग्रोसरीज, ऑल द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड, सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ सभी कुछ मिलता है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या कम हो, क्या बढ़े, किससे फ़ायदा होगा? ये क्वेश्चन हर साल हम लोग से पूछा जाता है, बट आई रियली होप कि द कॉमन चीज़ें जो सब घरों में यूज़ होती हैं उनके प्राइजेस कम हो, एंड मोर सो आजकल जो ऑर्गेनिक चीज़ें आ गई हैं उनका कोई कंट्रोल्ड वो नहीं है, उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, एंड कस्टमर इज़ नॉट श्योर कि आप ऑर्गेनिक ही खरीद रहे हैं कि गलत खरीद रहे हैं। तो कॉमन चीज़ें जो नॉर्मल पल्सेस हैं, राइस हम लोग लेते हैं, एंड जैसे कि कॉमन रस्क, बिस्किट्स वगैरह, आजकल दे आर नो मोर अ लग्जरी, यू यूज़ देम वेरी ऑफन, तो वो मतलब उनके प्राइजेस में भी बहुत वेरिएशन होता है, तो उन चीज़ों में कंट्रोल हो। ऑयल, जो तरह तरह के कुकिंग मीडियम्स हम लोग यूज़ करते हैं, बटर वगैरह है, उसमें भी चॉइस आज के टाइम में मार्केट्स में, शॉप्स में बहुत चॉइस हम लोगों को मिलती है, बट द प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है न, मतलब उसके प्राइजेस में अगर कंट्रोल कर सके तो। बजट में अभी तक GST जो आया था उसमें कई बार बदलाव हुए हैं, प्लस माइनस हुए हैं, लेकिन जितना हमें उससे कोई हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में दिक्कत हुई थी, अब लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट है, सो हम वेट कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आएंगे जिससे पता चलेगा हमारा फ्यूचर क्या है। सो बेसिकली अभी काफ़ी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे टैक्स रिलेटेड चीज़ इम्पोर्टेंट है, कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लेवल है, एग्जेम्पशन है जो कि 2.5 लाख है अभी करंटली, तो हम चाह रहे हैं कि उससे वो इंक्रीज़ हो, क्योंकि हम लोग अब जॉब्स लेने जाएंगे, तो उसमें ऐसा है कि कम होगा तो फिर हमारे लिए टैक्स बर्डन और बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा पे इतना ही होता है। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि थोड़ा एग्जेम्पशन इंक्रीज़ हो 3 लाख या उससे ज़्यादा, ताकि हम अपने लिए सेव कर पाए, हम अर्न कर पाए। हमारा अगला साल डिटरमिन करेगा कि हम कैसे अपने पैसे यूज़ करेंगे, हमें जो सैलरीड मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के, वो कैसे अपने फंड्स एलोकेट करेंगे, और बिजनेस फैमिलीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में डीमोनेटाइजेशन का इफ़ेक्ट था, सो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत इम्पैक्टफुल बजट होगा। एंड आई थिंक इस बजट में स्मॉल फर्म्स एंड बिजनेसेस को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए जो पास्ट ईयर में नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में अभी स्टार्टअप्स का बहुत जो भी है, मोदी गवर्नमेंट ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो हम स्टार्टअप्स का देखें तो स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स हॉलीडेज इतने नहीं मिल पा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है, तो इसकी वजह से कंपनीज अब आसानी से एग्जिट करते हैं मार्केट में, बट अभी भी हमें जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हम इंडिया 133 से 100 पे आई है, वैसे की वैसे अगर ईज़ ऑफ डूइंग एग्जिट की हम बात करें, अगर वो इंडिया में और सक्सेस हो जाए, तो इससे हम प्रोबेबली नेक्स्ट जो भी क्वार्टर है उसमें और नेक्स्ट ईयर में जो हमारी ईज़ ऑफ डूइंग की रैंकिंग है वो अराउंड 50 हो जाएगी, जो कि मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। पिछले बार के बजट की 80C इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 1.5 लाख है, तो अगर वो इस बार थोड़ा लिमिट इंक्रीज़ करके 2.5 लाख करते हैं या थोड़ा आगे बढ़े, तो टैक्स सेविंग में बहुत हेल्प हो जाएगी,
तो देखा जाए पूरी फैमिली को उससे बहुत अफेक्ट होता है. एंड लाइक यू सेड बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, अगर टैक्स सेविंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंसिडर करें, और अब क्योंकि सारी लड़कियाँ सब जॉब्स वगैरह पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी हैं, तो यू नो वील बी अ लॉट ऑफ गुड मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द एंटायर यूथ की हाँ, बिकॉज वील हैव अनदर थिंग कि हम अब आगे जॉब में जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने हेल्प करी है टैक्स वगैरह सब कुछ बचाने में, तो पूरी सारी चीज़ों में फैमिली इनकम एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स. तो आई थिंक लिमिट थोड़ी बढ़ेगी तो हेल्प होगी. बजट जो बजट आ रहा है उसमें डीजल पेट्रोल के रेट थोड़े कम होने चाहिए. बाकी जो अभी इन्होंने जैसे GST वगैरह लगाया और इसका लगाया, इसमें हम लोग के व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ा. पहले ऐसे नहीं था, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया. GST से भी और हमें लोगों हमारे के अंदर बहुत नुकसान हुआ. तो अभी समय हो गया GST लगे हुए, तो भरपाई हो पाई? नहीं, हम लोग जो छोटा मैनुफैक्चर है उसकी कोई भरपाई नहीं हो रही है. जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनका तो उस पर लग के चला जाता है. हम लोग ये छोटे काम के अंदर वो लोग हमें आगे नहीं मिलते, हमें जेब से देना पड़ता है. बिलिंग करने के बाद हमें जेब से देना पड़ता है, तो इतना रेट भी नहीं मिलता है, इसलिए हमें नुकसान होता है जी. तो क्या उम्मीद है, क्या चाहते क्या है सब? रेट तो कम हुए साथ ही, और ये चाहते हैं कि जैसे पहले GST 5% था, इसका रेट 5% ही हो जाए. हर चीज़ के ऊपर तो थोड़ा फ़ायदा होगा, 18% देखिए कोई प्रॉफिट नहीं होता, बहुत नुकसान होता है. बजट तो यही है कि जो हस्बैंड लाते हैं तो कहते हैं इतना एक्सपेंसिव है, अभी ढंग से इस्तेमाल करो चीज़ को. वैसे तो वाइफ तो अपने हिसाब से चलाती है घर को, बाकी जब बजट आदमी जो हस्बैंड लाता है तो वो कहेगा कि भाई इसमें कम करो हिसाब, मतलब महंगा बहुत पड़ रहा है चीज़ें. बाकी तो हम ऐसे कोई इशू नहीं है बोल रहे, और ताकि एक जो सर्विसमैन है उसकी जो सहूलत हैं उसको आसानी से मिल सके. कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अभी वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान रखा जाए. इसलिए हम यही बेनती करेंगे कि जो सर्विसमैन है उनका खास ध्यान रखा जाए. सर, जो बजट लागू हो रहा है उसके बारे में हमको यही कहना है कि सबसे पहले जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान पूरे देश में ऐसे घूम रहे हैं, उनको नौकरी उपलब्ध नहीं हो रही, नौकरी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं. आदरणीय मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको नौकरी, जो ऐसे गरीब लोग हैं हमारे जैसे ऐसे घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर भी हमको नौकरी नहीं मिल रही, तो इनका कुछ किया जाए. तो जो हमारे जैसे गरीबी रेखा में आ जाते हैं बहुत लोग, तो जैसे रसोई खर्चा, गैस सिलेंडर, सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए. सबसे पहले तो एज अ लेडी, एज ए हाउस वाइफ, मैं सोचती हूँ कि हमारा जो किचन है वो इतना महंगा नहीं होता जाना चाहिए. गैस है, घर के दालें हैं, ये सब्जियां हैं, इन सब के रेट कंट्रोल किए जाने चाहिए. हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है, टैक्स की भी कोई लिमिट होनी चाहिए. और जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हम कई जगह जाते हैं, हम देखते हैं कि फ्रूट भी कई बार तो सब्जी से ज़्यादा, मतलब सब्जी जो है वो फ्रूट से ज़्यादा महंगी है, और फ्रूट कई बार हमें अच्छा नहीं मिलता. तो ये चीज़ों की कॉस्ट के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए. कुछ गवर्नमेंट को ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए कि टैक्स लिमिटेड कटे और सबको सारी सुविधाएं प्रॉपरली मिलें. एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो गोल्ड की प्राइस है उस पर थोड़ी लगाम लगनी चाहिए. जैसे कि पीछे सोने का भाव 2800 ग्राम था, आज 3350 ग्राम हो गए. इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए. गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ड्यूटी कम करे, जिससे गोल्ड की प्राइस पे रोक लगेगी. और सिल्वर की प्राइस भी उसी के हिसाब से गोल्ड के अकॉर्डिंग ही चलती है. गोल्ड सस्ता होगा तो सिल्वर भी सस्ती होगी, और गोल्ड महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली सिल्वर भी महंगी होगी. हाँ जी, और क्या चाहते हैं? पेट्रोल में कमी आनी चाहिए रेट में, रेट कम होगा तो पब्लिक को भी फायदा. बजट से देखो जी, महंगाई वगैरह कितनी हो रही है, साढ़े काम दे कितने डिस्टर्बेंस हो रही है, मॉल खुल रहे कितने, मल्या मल्या मॉल खुल गए, पहले तो मॉल बंद कराने चाहिए, और करके काम बिल्कुल ख़त्म हो गया. छोटा बिजनेसमैन आप ही ख़त्म कर रही सरकार, जो तो मॉल इन्हें खुल रहे, इतना एक चीज़ें फ्री लगी हुई हैं. फिर उसमें वो बैंक में जैसे उन लोग ने रखा 3 लाख के ऊपर उन लोग टैक्स लेंगे, वो नहीं लेना चाहिए. वो ज़्यादा उन लोग को रखने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद तुम टैक्स दो. जैसे कि 5 लाख हमने रखा, उसके ऊपर रखा हम लोग ने, तो आप टैक्स लो, क्योंकि 3 लाख मतलब बहुत कम हो गया. इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे रहे तो वो सोचते हैं कहाँ पे रखें हम. सरकार काम तो कर रही है फिलहाल, देखा 4 बजट में ऐसा,
लेकिन फिर भी जो व्यापारी के हिसाब से होना चाहिए उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि क्योंकि जो धंधा होना चाहिए उतना धंधा फ्लैश में नहीं हो रहा है। और जो बाहर की कंपनियाँ हैं, समझो अपना ऑनलाइन वाले हैं या मॉल है, वो बिज़नेस लेके जा रहे हैं, उनको सहूलतें मिल रही है, और रिटेल वालों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए या जो सहूलत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो बिज़नेस लॉस होता जाता है, कई सारी दुकानें बंद होती जाती है या किसी और को चलाने को दे देते हैं, मतलब भाड़े पे, तो वो सब थोड़ा उस तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है।